हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी सोशल एंड कल्चर 1757 to 1857। कहते हैं भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और ये समय काल जो है 1757 से लेकर 1857, यानी 100 साल के अंतराल में ये हमें टॉपिक आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो CBSE के में पढ़ते हों, चाहे UP बोर्ड के बच्चे हों, चाहे NIOS के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर उनके सिलेबस में टॉपिक रहे तो उनके लिए बहुत ही महत्व रखेगा। इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनने वाला है। लेकिन आपको पता है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट हियर, देयर इज अ प्रोटेस्ट मोमेंट, देयर इज अ प्रोटेस्ट मोमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर। दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्फीयर रिजल्टेड इन द शार्प रिएक्शन ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द फॉरेनर। दैट इज इंपॉर्टेंट। Advisor impact of the British rule on the political, economics and social sphere resulting in the sharp reaction of the Indian people against the foreigner. This led to a series of anti-British movement throughout the country. The peasant means farmer and tribes rebelled against exploitative rulers. This has been detailed in the greater detail in the next few lessons. During the British rule, the number of famines recording in India was the unprecedented. And during the first half of the 19th century, the 7 big famines were recorded, were led to be the death of 15 lakh people. Similarly, in the latter half of the 19th century, there were 24 famines is causing over to the 200 lakh deaths. The most devastating of which there is a Bengal famine of 1943, and which killed 3 to 4 million Indians. The peasant ambivalent with there is a taxation, evacuation from a land, and survival from the Bengal famine joined to the rebel group of sannyasi and fakir. That is important. The farmer burdened with the taxation, evacuation from land and survivor from the Bengal famine joined rebel group of sannyasi and fakir. In 1783, the rebels stopped paying revenues to the company as agent. However, rebels were finally forced to surrender. And similarly, polygrams are Tamil Nadu and Malabar and coastal Andhra and the Mapalas of the Malabar revolted against their colonial rule. And the North India is a judge of the Western Uttar Pradesh and Haryana revolted in 1824. In Maharashtra and Gujarat, there is a college is revolted. Tribes in a different part of country also is rebelled as a colonial government extending their authority to traverse lands. The tribes were subjected to the various extortion. Tribal leaders such as
Wales and Flanders and cause of Sigobomes revolted against to British rule. However, British are suppressed them ruthless. Oppressed to the Santals on the border of the Bengal, Bihar, Orissa also revolt against the British as they were began evacuated from their lands. And they even set off their own government, but British suppressed their revolt. Thought this rebel did not be succeed. They exposed to the upper popular character of colonial rule. Even today, we witness many disparities in our society. At least 1/3 of country as a population barely managed to survive. If you compare this situation with that at the time of independence, we have made a good progress, but we still have a long way to go. Picture on your screen, there is a most important picture here. Santha Rivalian, fight between the railway engineer and Santha literature from the London News is 1856. There is a most important fight between the railway engineer and Santhal. There is an important picture for you. The next year, impact of the revolt of 1857. There is a most important revolt of 1857 here. There is an impact here. The economical decline of the centuries and artisan were reflected in a 12 major and numerous minor famine from 1770 to be 1857. This is important. The economic decline of the century and attrition were reflected in a 12 major and numerous minor famine from 1770 to 1857. All these factors only helped to be spread anti-British feeling with the ultimately is culminated into the revolt of 1857. The British were not very sensitive to the feeling of the masses, their already rottenness. Hence, the reform introduced by them to be put on into some social custom made the people believe that a government wanted them to be converted to the Christianity. This is the most important point here. You know, reform induced by them put on into some social custom made the people believe that a government wanted them to be converted to Christianity. As a result, the English East India Company as a rule in India witnessed a large number of uprising or rebellions. In a later lesson, you will be read about some important and popular uprising and also analyzes the nature and significance of this uprising here. You will also read about the revolt of 1857, which had a major impact on our national movement. For the first time, it is unfitted and brought together people having different ethics and religious and a class as a background against the British rule. The revolt brought an end of the East India Company as a rule, along with the change in their British policy toward the Indian state. One of the most important outcome of the revolt was that it is a give a rise to be nationalism. There is a most important outcome for the revolt that give a rise to be nationalism. Indian people become more aware of their heroes and who sacrifice their life for the country so that other might live in a free Indian in a time to come. The revolt, however, is a square. There is a relationship between Hindu and Muslims with the divided in the rule policy which was adopted by the British. And they felt that is if they wanted to be a continue their rules in India, it was important to divide the Hindu and Muslims. The next point here, impact today. Impact today, after reading this lesson, you will become more aware of the British rule affecting every bite of Indian life. The political control also meant a long dream of interaction between two distinct cultures. Some changes were disparities introduced to be
south thanks to British political and trading interest. But there were others that occur as a byproduct of the interaction between the Indian and the Western cultures. A large number of British and Europeans stay in our country during this period, which also is about a cultural transformation. We should be also understand that our present life is shaped to a great extent by our immediate past. In this immediate past, the British control over large part of the country become an important determining factor. Some of the culture and legal change that took place as a result of British rule continue to affect our life even today. The rails that a club life, the imperial buildings like Rasta, Rashtrapati's Bhavan and the Parliament are reminiscent of British rule in India. Many food items like bread, tea and cake that we consume today are the direct result of our interaction with the Europeans during the British rule. If you look around yourself, you will be surprised to know that a large number of costumes prevalent in the urban India were adopted during the British rule. For example, trouser, coat, and tie. The idea of introducing Indian civil service started during this period. The Indian Army force still retained many aspects of European training and culture. The medium of our instruction and learning itself is predominantly English. The Supreme Court and the High Court pass their judgments in English. And this language itself a legacy of the British rule and continue to be a lingua franca as the Indian king implement in their own country. अगला पॉइंट जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, विरोध आंदोलन. देखिए, भारत में देखा जाए तो कई आंदोलन हुए और आज प्रेजेंट समय में भी आंदोलन होते हैं. उस समय हम आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आज अपनी जो है ज़रूरतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं. समय बदल गया है लेकिन आंदोलन वही आंदोलन है. तो आंदोलन आज सिर्फ जो है अपना रास्ता और रुख चेंज कर लिया है. पहले के समय हम आज़ाद नहीं थे तो आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, आज हम अपनी ज़रूरतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वही सिचुएशन है जो पुराने समय में था. कहते आज भी हम उन्हीं चीज़ों से दो चार हाथ करना पड़ता है जो पुराने समय में भी था. तो देखा जाए आंदोलन का दौर जो है सदैव चलता ही रहता है. और वही टॉपिक हमारा अगला बता रहा है कि विरोध आंदोलन. ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशों के खिलाफ भारतीय लोग कड़ी प्रतिक्रिया हुई. कहते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के कारण प्रतिकूलता में सदैव ही जो है ब्रिटिशों को भारतीयों का कड़ी प्रतिक्रिया का जो है सामना करना पड़ा और देश भर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का श्रृंखला का नेतृत्व किया जाने लगा. यानी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं विद्रोह होती ही थी. इसके लिए किसानों, जनजातियों ने जो शोषक शासकों का खिलाफ भी विरोध किया, जो उस समय शोषक शासक होते थे उनके खिलाफ भी कई जो है विद्रोह आंदोलन किए गए. और इसका अधिक से अधिक विस्तार हम आगे और भी पढ़ेंगे और भी इसके जो है विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. इसलिए आपको बने रहना पड़ेगा त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ, और बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा. कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक बार अकाल भी पड़ा जो है अभूतपूर्व था. यानी देखा जाए तो भारत ने कई अकालों को भी सहा. 19वीं सदी के मध्यम के दौरान 7 बड़े अकाल दर्ज किए गए. यानी उस 19वीं सदी के अंतर्गत 7 बहुत बड़े जो अकाल दर्ज किए गए, जिसमें से 1,500,000 लोगों की मौत हुई. और इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तराल में चौबीस अकाल पड़े, जिसमें से 200,000 से अधिक मृत्यु हुई. यानी 19वीं सदी के उत्तराल में 24 अकाल पड़े और जिसमें से 200,000 से अधिक लोगों की मौत हुई. सबसे विनाशकारी अकाल 1993 में बंगाल का काल था,
जिसमें 40 लाख भारतीय मारे गए। आप समझ सकते हो कि उस समय भारत में अकालों की एक दौर थी और अकाल पड़ते ही रहते थे। करों से दबे किसान भूमि के जो है बेदखल और बंगाल के अकाल से बचे लोग विद्रोही सन्यासी और फकीर समूह में शामिल हो गए, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं था। पूरे देश में अकाल पड़ गई, खाने कुछ था नहीं, और कहते हैं जो टैक्स सरकार बढ़ाई जा रहे थे, जो किसानों पर कर लगाए जा रहे थे, और उनको भूमि से भी बेदखल कर दिया गया, तो सभी लोग जो थे मैक्सिमम लोग विद्रोही सन्यासी और फकीर में शामिल हो गए। 1783 में विद्रोहियों ने कंपनी के राजस्व का भुगतान बंद कर दिया। अब भुगतान करे भी तो कैसे करे, कहते अपना तो पेट भरना संभव ही नहीं था, तो सरकार को कर कहाँ से दी। हालांकि विद्रोहियों के अंत में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, और इसी तरह तमिलनाडु मल्लवार और जो है तटीय आंध्र पोलिगर और मल्लवार की जो मैपिलियों लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरोध विद्रोह कर दिया। उत्तर भारत में 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने भी विद्रोह किया, और महाराष्ट्र और गुजरात में कलियों ने भी विद्रोह कर दिया। यानी देखा जाए तो इस समय विद्रोह का दौर सदैव चलता ही रहता था। देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों जनजातियों ने अपने अधिकार के विस्तार के लिए उपनिवेशी सरकार का विद्रोह किया। यानी देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों ने जनजातियों ने भी अपने अधिकार के विस्तार के लिए सरकार के प्रति जो है विद्रोह किया, और जनजातियों से विभिन्न वसूली भी की जाती थी। उस समय जनजातियों से भी बहुत से वसूल की जाती थी। जनजाति जैसे खानाद्वेश की भील सिंबल के कोची नेताओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें बेरहमी से दबा दिया। बंगाल की सीमा, बिहार और उड़ीसा के अत्याचार पीड़ितों के स्मरणों ने भी अंग्रेजी शासन के जो है खिलाफ विद्रोह का जो है बिगुल बजाया था, क्योंकि उनकी उनकी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। कहते हैं अपनी भूमि से उनको बेदखल कर दिया गया, तो इसलिए उन्होंने जो है विद्रोह का ही सहारा लिया। उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोह को समाप्त कर दिया। हालांकि इन विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली, लेकिन वो जो है उपनिवेशिक शासन के अलोकप्रिय चरित्र को उजागर करने में सफल हो गए। कहते हैं विद्रोह जब होता है किसी भी शासन काल में, तो एक बात तो सच होता है कि वो प्रशासन सही नहीं है, तभी लोग जो है उनके प्रति जो है आंदोलन का सहारा लेते हैं। अगर आपके भी समय में कोई आंदोलन चलाई जाती है, तो समझ जाइए कि आपका सरकार सही नहीं है। आज भी हम अपने समाज में कई असमानताओं को देखते हैं। यदि आप इस स्थिति को आज़ादी के समय के साथ तुलना करें, तो हमें अच्छी प्रगति की है, लेकिन हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। कहते हैं अच्छी प्रगति तो हुई है, लेकिन फिर भी हम जो है अभी बहुत रास्ते तय करने हैं, अभी बहुत सुधार करने हैं। अभी तो हम कहते हैं कुछ भी हासिल नहीं कर सके जो हमें हासिल कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संथाल विद्रोहियों का है। संथाल विद्रोहियों ने रेलवे इंजीनियरों को स्थानों के बीच लड़ाई हुई थी कि जो इंजीनियरिंग रेलवे थे वो वहाँ पर जो है रेलवे लाइन नहीं बिछाना देना चाहते थे, और उनके जो है इंजीनियरों से जो है स्थल के लोगों के साथ विद्रोह हुआ था। बहुत ही भयंकर युद्ध हुई थी। इसको जो यहाँ पर जो चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आपके समझने के लिए सही रहेगा। उसके पश्चात है अगला पॉइंट, 1857 विद्रोह के प्रभाव। देखिए 1857 के विद्रोह बेशकली सफल नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों को ये बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब ज़्यादा दिन उनका जो है भारत में रहना संभव नहीं है, और उनको भी ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया, और भारतवासियों ने एक बात समझा कि अलग अलग जो है विद्रोह करने से उनको कुछ नहीं मिलना है, करना पड़ेगा हमें एक साथ काम, तभी जाएंगे यहाँ से अंग्रेज भाग। तो इसी के लिए 1857 के विद्रोह का प्रभाव भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। किसानों एवं कारीगरों की आर्थिक गिरावट 1770 से लेकर 1857 तक के 12 प्रमुख अकालों तथा कई छोटे अकालों से स्पष्ट थे, और यह सभी कारक ब्रिटिश विद्रोही भावना और सहायक सिद्ध भी हुए। अंग्रेजों ने बेरहमी से शासन किया, और वो जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं थे।
सुधारों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन भी किए गए, लेकिन लोगों का मानना था कि सरकार उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहती है। परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ी संख्या में विद्रोह हुए। कहते हैं अंग्रेजों ने जो भी सुधार करने की कोशिश किया, इंडियन वालों को लगता था कि वो सिर्फ उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे पाठ में पढ़ेंगे और विचार भी करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम आगे चर्चा करेंगे। इसके महत्व तथा प्राकृतिक के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। अब 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। 1857 के विद्रोह के कारण ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सफल भी हुआ, क्योंकि उससे हमने बहुत सी शिक्षा हासिल की। इसमें पहली बार एकीकृत हुए विभिन्न धार्मिक और जातीय जो है पृष्ठभूमि वाले वर्ग के लोगों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लाया गया, क्योंकि इस समय हम भाईचारों की जो है सबूत दिए कि हम अलग अलग धर्म होते हुए भी हम भारत के नागरिक हैं। विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय राज्य के प्रति जो है ब्रिटिश नीतियों परिवर्तन के साथ अंत भी किया गया। विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि इससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, यानी इस विद्रोह से हमें ये मिला राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और भारतीय लोगों में अपने नेताओं के प्रति जागरूकता आ गई, जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे ताकि आगामी समय में दूसरे लोग स्वतंत्र भारत में रह सके। और इस विद्रोह के जो है बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई, जिनके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध खराब हो गए। और आपको पता है कि 1847 को जो हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अंग्रेजों के नीतियों के कारण ही हुआ, यानी फूट डालो राज्य करने की नीति अंतर्गत। यानी देखा जाए 1947 में जो भारत में बंटवारे का जो नींव पड़ी, वो अंग्रेजों का ही महत्वाकांक्षा का परिचालक था। उन्होंने महसूस किया कि यदि वो भारत में अपने शासन को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू और मुसलमानों को अलग करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो सके। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है आज पर प्रभाव, देखिए पुराने समय से हमें शिक्षा लेना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जो गलती पुराने समय में किया गया वो गलती हमें अभी फिर नहीं दोहराना चाहिए। हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने देश के नागरिकों पे भरोसा रखना चाहिए, हमें दूसरे देशों के लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो वो हमारे देश की भावनाओं को समझने वाले हैं, ना हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। और सदैव इस बात के लिए आपको अग्रसर रहना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें उस गलतियों को दोहराने से मना करती है जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आज फिर भी वो गलतियाँ हो रही है। पुराने समय में लालच के अंतर्गत राजा महाराजाओं ने ब्रिटिश को यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। आज के समय में कहते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेता लोग जो हर संभव लालच जो है आम लोगों में दे रहे थे। पहले राजाओं, क्योंकि राजा मेन होती थी पूरे प्रशासन के लिए, आज के समय जनता मेन है, जो किसी के शासन उखाड़ भी सकती है और किसी के शासन ला भी सकती है। तो उस समय राजाओं को लालच दी जाती थी, आज के समय में आम जनता को लालच दी जा रही है। पुराने समय में कहते हैं जो है राजा जनता का शोषण करती थी, आज जो है बड़े बड़े प्रशासन लोग जो है आम गरीबों को सता रहे हैं। पुराने समय में उच्च वर्ग को शिक्षा दी जा रही थी, आज के समय में उच्च वर्ग को ही शिक्षा मिल रही है। कहते हैं दिखावे के लिए कहते हैं कि हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा का वास्तविक रूप तब नजर आएगा जब कभी कोई मंत्री जी बिना बताए किसी स्कूल में चले जाएं, क्योंकि पहले से वो अपना रास्ता सजा लेते हैं, अपने लिए हर चीज़ का प्रावधान कर लेते हैं। पहले स्कूल वाले क्या करते हैं, जो थोड़े अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और जो अनपढ़ टाइप के बच्चे होते हैं जिनको समझ बूझ नहीं होती है उनको थोड़ा सा छुट्टी कर देती हैं। तो मंत्री जी को लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंसी है, बहुत ही अच्छा स्कूल चल रहा है, बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है। और ये होता है,
कहीं मंत्री जी उद्घाटन करने के लिए चले जाए क्यों नहीं, रोडों को तो सजा दिया जाता है दुल्हनों की तरह, लेकिन उससे पहले आम जनता से पूछ के देखिए कि वहाँ पर क्या हालत रही होगी, कैसे वो कितने एक्सीडेंट के शिकार हुए होंगे। एक रास्ता बनने में 3-3 साल लग जाता है, एक पुल बनने में 4 साल लग जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे मंत्री जी की आगमन होता है 24 घंटे में वो टकाटक चनाचन हो जाता है, जिसका कह सकते हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या मंत्री जी को समझ नहीं आता ये बात कि ये अभी भी ताज़ा ताज़ा बनाया गया है, ताज़ा ताज़ा अभी पेंट की गई है, तो वो क्यों देखेंगे? उनको तो अपना जो है काफिला का जो है बहुत सुचारू रूप से आगे गुजारना है, तो कैसे भारत तरक्की करेगा, कैसे कैसे आम व्यक्तियों की जिंदगी सुधरेगा? आम व्यक्ति सुबह निकलता है, उनके रास्ते ख़राब होते हैं, उनके सही चीज़ें नहीं रहती है, वो कैसे कैसे अपना जो है अपना डिस्टेशन पे पहुंचते हैं, अपने जगहों पे पहुंचते हैं, तो कैसे चलेगा भारत का जो भविष्य आगे? तो ये सोचने वाली बात है। कहते हैं आज और पुराने समय में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। पहले के समय में जो अंग्रेज़ के हुकूमत होते थे, पुलिस अफसर होते थे, और वो इंडिया के ही होते थे लेकिन पुलिस में विभाग में होते थे, तो आम लोगों को सताते थे। आज के समय में भी जो पुलिस लोग होते हैं बड़े बड़े लोगों का चापलूसी करते हैं और आम गरीबों को अंदर डालते हैं। तो सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यही बात पे मैं एक बात लेता हूँ। बिहार में नशाबंदी की गई है, शराब के खिलाफ जो है कानून बनाई गई है, क्या आप मुझे एक सबूत के साथ ये आश्वासन दे सकते हो कि मंत्री जी के जितने पार्टी होता है बिहार में, क्या उसमें शराब की बोतलें नहीं चलती है? अगर आप मुझे इस बात का आश्वासन दे देते हो तो मैं समझूंगा कि वहां पर शराब सही में जो है बंद हो रखा है। सोचिए, विचार कीजिए इस बात पे कि बड़े पार्टियों में शराब दारू की तो आम बात होती है, लेकिन वही शराब दारू आम गरीबों के हाथों में पकड़ा गया तो उसको जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उनके माँ बाप से मन चाह रकम वसूला जाता है। बहुत कहते हैं विडंबना है, ये सिर्फ कानून है। तो यही बात हमारा टॉपिक में बताता है कि आज पर क्या प्रभाव पड़ा। देखा जाए तो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि ब्रिटिश शासन के किस प्रकार भारतीय जीवन के हर पहलुओं को प्रभावित किया। अंग्रेजों के राजनीतिक और व्यापारिक हितों को मजबूत बनाने के लिए कुछ परिवर्तन जानबूझकर प्रस्तुत किए गए, वो तो सदैव ही चलता रहता है। जानबूझकर लोग जो है अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए लोगों को जो है कुछ कुछ काम करके दिखा देते हैं, लेकिन भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के बीच बातचीत का प्रतिफल एक दूसरे के रूप में भी हुआ। एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश और यूरोपीय इस दौरान हमारे देश में रह गए, जिससे संस्कृति परिवर्तन हुआ। कहते हैं ब्रिटिश भारत में रहे, इसलिए यहाँ पर बहुत से जो है संस्कृति परिवर्तन देखने को हमें मिला। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे वर्तमान जीवन को काफ़ी हद तक तत्काल अतीत से आकर मिलता है, और इस तत्काल अतीत में देश के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश नियंत्रण एक निर्धारित कारक बन गया था उस समय। क्योंकि आज भी समय में देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं अपना पूरा पूरा नियंत्रित हर क्षेत्र में कर रहे हैं। आज जितना भी जो कुछ है कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गया है, और वो मर्जी अपना जो है रूल रेगुलेशन जो है आम लोगों पे थोप रहे हैं। अब इसका एग्जांपल के तौर पे मैं अभी ले लूँगा कि आज देखिए, रिचार्जों की ही बात कीजिए, आज देखा जाए तो एक दो कंपनी की ही बोलबाला है, और वो अपनी मर्जी से लोगों से जो है पैसा वसूल रहे हैं। रिचार्ज नहीं करवाए तो 1 लाख कॉल आप पे आएगा, आप रिचार्ज करवा लीजिए, लाखों मैसेज आएंगे। तो आज सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों में सिमट के रह गया है। आज उनको पता है कि मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता, तो रिचार्ज भी देखिए कितने महंगे महंगे हैं। पहले 10 रुपये का रिचार्ज हुआ करता था, आज देखिए 250-300 से अच्छा रिचार्ज कोई हो देता ही नहीं। और लोग भी बहुत क्या करें, लोग भी रिचार्ज को कहीं ना कहीं से निकालना है भाई, तो लगे रहते हैं 3 घंटा मोबाइलों पर ही, 4-4 घंटा मोबाइलों पर लगे रहते हैं। अब लोग भी क्या करें, पैसा उनका फ्री में तो नहीं है। लेकिन सरकार ये बात नहीं सोच रही है कि इससे आने वाला भविष्य पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोग तो अपना पैसा निकालने में लगे हुए हैं, कंपनियां फ्री देने में लगी हुई है, लेकिन इसका प्रभाव जो आने वाला वक्त में इंसानों पे पड़ेगा, शायद इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। इवन कि आज देखिए, हम 5G जमाने में आ गए हैं, और 5G बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि ये देश के लिए
और ये जनजीवन के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है आने वाला समय में। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विचार सत्य है और ये सत्य ही रहेगा। कहते ब्रिटिश शासन के परिणाम में रूप में संस्कृति का परिवर्तन भी हुआ। कहते रेल, क्लब जीवन, राष्ट्रपति भवन जैसे शाही भवन और संसद भवन भारत में ब्रिटिश शासन की याद ताज़ा करते, क्योंकि ये सारे के सारे उन्हीं के समय में बनाया गया था। कई खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, चाय और केक जो हम आज खाते हैं, ये सब यूरोपीय लोगों के साथ रहने का परिणाम ही है कि उनके साथ हमने रहा, हमने ब्रेड, चाय और केक बनाना सीखा और पीना सीखा। यदि आप चारों ओर देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि शहरी भारत में प्रचलित वेशभूषा का बड़ी संख्या में ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाया गया था। उदाहरण के तौर पर देखें तो पतलून हो गया, कोट हो गया, टाई, ये सब के सब ब्रिटिश लोगों का ही भारत में देन है और हम उसका आज भी प्रयोग कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान भारतीय सिविल सेवा की भी शुरुआत की गई। आपको पता है कि भारतीय सिविल सेवा जो होती है यूपीसी एग्ज़ाम के अंतर्गत होता है, इसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं और ये जो है ग्रेजुएशन के बाद कोई भी जो है विद्यार्थी दे सकता है। अगर वो पास होता है तो डायरेक्ट उसको जो है सिविल सेवाओं के अंतर्गत जो है उसको आईएएस आईपीएस बना दी जाती है। तो ये प्रावधान अंग्रेजों के ही देन है। भारतीय सशक्त बलों ने अभी भी यूरोपीय प्रशिक्षण की संस्कृति कई पहलू से बनाए रखा है, यानी हमने ब्रिटिश का हर चीज़ जो है अभी भी अपना रखा है। हमारी शिक्षा या सीखने का माध्यम भी मुख्य रूप से अंग्रेजी है। चलिए अंग्रेजी तो आज के समय में पूरा विश्व एक हो गया है, तो इसलिए हमें अंग्रेजी भी आना जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने निर्णय अंग्रेजी के पारित करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग बात है। हमें हिंदी में भी करना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी हर लोग नहीं समझ पाते हैं। यह भाषा भी ब्रिटिश शासन की विरासत है और भारतीयों को अपने देश के रोजगार की मांग के जो लोक भाषा बनी हुई है। तो कहते हैं हम पुराने चीज़ों को अभी भी नहीं छोड़े हैं, अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमने उनके सभी चीज़ों को जो है आज भी संरक्षित किए हुए हैं। तो ये सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आपको तिरपान सेंटर के साथ बने रहना होगा। अगर आप तिरपान सेंटर का मदद करना चाहते हो, मदद करने का मन है, दिल में इच्छा है, तो आप तिरपान सेंटर का सहायता कर सकती हो। और इसके लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। जितना तिरपान सेंटर आगे बढ़ेगा, जितने बच्चों को पहुँचेगा, कहते हैं बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा, प्लस तिरपान सेंटर भी आगे आपके लिए और अच्छा करेगा। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, YouTube से लिंक को कॉपी करना है और WhatsApp स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्योंकि अच्छे विचारधारा जो है समझना सबके हित में ही होती है। आज के समय में मैं जानता हूँ ये बात कि जो गलत प्रवचन देता है, गलत बातें करता है, वो आपको बहुत ही सुहाना लगता है, लेकिन जो सच्चे बात करता है, अच्छी बात करता है, वो आपको तकलीफदायक होता है। कहते हैं बाबा के पास अगर आप जाते हो तो वहाँ डर के बाद कारण जाते हो, उनके पास चमत्कारी बात होती है, कुछ बातें चमत्कारी होती, कुछ भगत टाइप होते हैं, तो उनसे आप डर डर के जो है सभी बातें मान लेती हो, उनके उपदेश को जो है परम धर्म समझते हो, लेकिन शिक्षा का जो धर्म होती है वो नहीं समझते हो जल्दी। तो चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं जो चीज़ सही है वो सही है, उसको कभी भविष्य में बदला नहीं जा सकता। कहते हैं आज आप नहीं समझ रहे हो, आने वाले वक्त में अवश्य इस बात को भली भांति समझ जाओगे, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, अगर आप सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको जो है तिरपान सेंटर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल में ही सेव हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि जो रेड बटन आपको जो यूट्यूब पर दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबाइए, ऑटोमेटिक जो है सब्सक्राइब हो जाएगा आपके मोबाइल में, वीडियो जो है ये चैनल सेव हो जाएगा। और चैनल सेव करते ही आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिला हुआ है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप सब्जेक्ट के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है।